चौका चूल्हा में आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी मसाला राइस। ये हेल्दी मसाला राइस जो है वो सेहत के लिए अच्छा है और साथ ही साथ स्वाद में भी कमाल का है। इसके लिए ऑफ कोर्स हमें चावल चाहिए जिसे हमने धोकर भिगोकर रख लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। इसके अलावा हमने सब्जियां कौन कौन सी ली हैं। सब्जियां हमने ली हैं हरी मटर, ये आलू के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और ये है बीन्स, बीन्स को भी छोटा छोटा काट लिया है, और ये है हमारी मीठी नीम यानी करी पत्ता। इसके अलावा हमने सोयाबीन की ये बड़ी भिगो कर रख ली है, प्याज बारीक कतर लिया है और लहसुन भी बारीक कतर लिया है। अब छौंक के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, तो छौंकने में हम इस्तेमाल करेंगे ये अरहर यानी तुअर और ये उड़द की दाल, ये हमने भिगो के रख ली है और धोकर अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल के और इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जीरा और सरसों, इसमें डालने के लिए हमने हरी मिर्च बारीक काट के रख ली है, हल्दी पड़ेगी और नमक स्वादानुसार, और इसके अलावा इसमें एक जो अलग सा टेस्ट आएगा वो होगा इमली के पानी का। तो ये इमली भिगोकर हमने उसका पानी निकाल लिया है और ये है गरम मसाला। गरम मसाला न सिर्फ खुशबू के लिए बल्कि स्वाद के लिए भी मसाला राइस में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो बस इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब देखा जाए कि कैसे बनाते हैं हेल्दी मसाला राइस। हेल्दी मसाला राइस हम कढ़ाई में बनाएंगे। हमने उसके लिए गैस जलाकर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ये 2 टेबलस्पून तेल है। अब इसमें तेल हो गया है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये भीगी हुई दाल। इसको चलाते जाएंगे, इसे हल्का सा कलर जैसे ही बदलेगी वैसे ही हमें इसमें डालना है। लहसुन हल्का सा गुलाबी हो जाए, ये खास बात ये है कि खाना बनाते समय आंच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कभी हमें गैस सिम पे करनी पड़ती है, कभी फास्ट करनी पड़ती है, तो बस इसका ही ध्यान रखना होता है और खाना जो है वो लजीज बन जाता है। अब ये हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, दाल जो भिगो दी थी वो अब थोड़ी थोड़ी क्रिस्प होने लगी है, और इसी के साथ लहसुन का जो बारीक कटा हुआ टुकड़ा था उसके कलर में भी फर्क आ रहा है, और ये हमारा प्याज भून रहा है। हेल्दी मसाला राइस जो है वो एक फुल मील की तरह हो जाता है, जिससे कि आपको सब्जियां भी मिल जाती हैं और सारे
अनाज भी मिल जाते हैं, मतलब दाल भी, चावल भी, सबका थोड़ा थोड़ा अंश, और इसके साथ टेस्ट भी। ज्यादातर खाना जो है हम कई बार टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, लेकिन एक बात है कि टेस्ट के साथ साथ हम अपने सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं खाना बनाते वक्त। अब जैसे कि ये करी पत्ता, ये करी पत्ता भी एक अलग ही खुशबू देता है, और उसके अलावा हरा भरा है, इसके तमाम गुण हैं। तो इसको हमने डाल दिया है छौंक में, और ये हमारा पकता जा रहा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जीरा, इसे थोड़ा सा चलाएंगे, और जीरा जो है वो पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ये जो छौंक में इसका बड़ा खास स्थान है। बचपन में भी याद है कि जैसे ही जीरे का छौंक लगता था तुरंत समझ में आ जाता था कि हाँ कुछ खास चीज बन रही है। और अब हम इसमें डालेंगे ये राई, यानी कि सरसों का दाना, और इस बीज बराबर चलाते रहेंगे। अब हमें इसमें डालनी है सब्जियां। सब्जियां तो सबसे पहले आलू, ये बारीक कटे हुए आलू, इनको चलाना है। आलू थोड़ा सा अगर क्रिस्प हो जाता है तो पके हुए खाने का आनंद ही कुछ और हो जाता है, अगर भूनते हुए वो क्रिस्प हो जाता है। तो ये आलू हम चलाते जा रहे हैं, और इस तरह से ये सभी चीजें जो है वो एक साथ धीरे 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 करके अपने अपने स्वभाव के अनुसार, यानी अपनी अपनी जो इनका नेचर है उसके अनुसार, एक के बाद एक आपके खाने की शोभा बढ़ाने के लिए कढ़ाई में आती जा रही है। और ये आलू जो है अब थोड़ा सा इससे कलर बदला है, अब हम डालेंगे इसमें हरी मटर, बहुत फायदेमंद होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर खाली हरी मटर होती तो कई बार बच्चे यही सोच कर खा लेते हैं, अरे वाह हरी मटर का खाना है। हरी मटर का तो जलवा ही कुछ और है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई हिंदी, और फिर ये शिमला मिर्च, और ये सब हम मिक्स करके एक साथ और अब सब्जियां पड़ गई हैं। अब हमें इसमें डालना है सोयाबीन की बड़ी, तो सोयाबीन की बड़ी पड़ गई, सभी चीजें डालने के बाद कुछ देर हम इसे चलाते रहेंगे, इसे अच्छी तरीके से सब एक साथ मिल जाए, और खाना टेस्टी बने। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि किचन में हम खाना बनाने जाते हैं तो दिमाग में यही होता है कि कुछ ऐसा बने कि सब लोग शौक से खाएं। यह
टेस्टी मसाला राइस जरूर बनाकर देखिएगा, क्योंकि इसमें सबकी पसंद की कुछ ना कुछ चीज जरूर मिल जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी हमने डालकर ऐसे अच्छी तरीके से मिला दिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और अब हम इसे खोलेंगे और बस अब हमें इसमें चावल डाल देना चाहिए, क्योंकि चावल डालने से पहले डालनी है हल्दी। तो ये हल्दी हमने डाल दी, ये 1 टीस्पून हल्दी है और इसको मिला लिया अच्छी तरीके से। और अब हमने चावल डालना शुरू किया इसमें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये आपका चावल जो है ये सभी चीजों के साथ मिल गया है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एक टीस्पून। गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आपके भी किचन से आएगी। बस फटाफट ये मसाला राइस बनाइए और हाँ, बनाने के बाद जब खाकर ये अच्छा लगेगा ना तो हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये हो गया, अच्छी तरह से मिल गया। और अब डालना है इसमें नमक, नमक स्वादानुसार। और अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। ये हो गया इमली का पानी। और अब इसमें हमें डालना है फाइनली ये पानी। पानी का अंदाज थोड़ा सा संभाल कर रखना होगा। ये हमारे हेल्दी मसाला पुलाव की ये जो खिली खिली रंगत है वो बनी रहे। मुझे तो ये हेल्दी मसाला पुलाव इतना अच्छा लगता है और स्टफिंग भी होता है, स्टफिंग होता है, साथ ही साथ ये सिर्फ चावल से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में सब्जियां भी पहुंच रही हैं, दाल भी पहुंच रही है और भी तमाम चीजें पहुंच रही हैं। तो ये हेल्दी मसाला चावल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और अब हम इसे बंद कर देंगे। तैयार हो रहा है हमारा हेल्दी मसाला पुलाव। बस अब इंतजार है कि जल्दी से प्लेट में आए और फिर खाया जाए। आप भी यही इंतजार करेंगे जब आप ये बना रहे होंगे, और फिर जब खाइएगा तो हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको ये हेल्दी मसाला पुलाव कैसा लगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज शेयर भी कीजिएगा। अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमारा मसाला राइस कहां तक पहुंचा है। अरे वाह, ये तो बहुत तैयार हो गया है। गैस बंद कर देंगे और अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इसमें
देसी घी का ये एक चम्मच अच्छी तरीके से डाल के मिला देंगे ताकि एक वो जो खुशबू आती है और एक जो स्वाद आ जाता है घी के साथ वो आ जाए। तो आप ये सर्व करेंगे। ये तैयार है हेल्दी मसाला राइस, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए और अगर गेस्ट हैं तो उनको तो जरूर खिलाइए। और हाँ, खाने के बाद अगर स्वाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए और स्वादिष्ट चीजें तो बिल्कुल बांटकर ही खानी चाहिए। तो फिर भूलिएगा नहीं, अगली बार चौका चूल्हा में हम एक बार फिर कोई टेस्टी सी डिश लेकर आपसे मिलेंगे। तो देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट। थैंक यू।